हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत टाइम बाद है, बट ये वीडियो इसलिए नेसेसरी हो गया है कि अभी एनटीपीसी का जो थर्ड लिस्ट है गेट 2023 के थ्रू आ चुका है एंड इसमें यू नो बहुत सारे कैंडिडेट को ऑफर हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो डाउट है आपके, जितने लोग का सिलेक्शन हुआ है, उन सारे डाउट को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैंने आपका कमेंट भी देखा हुआ है कि यू नो मल्टीपल्स डाउट हैं आपके, तो इस वीडियो में बेसिकली आपके सारे डाउट्स लेने वाला हूँ। उसके अलावा आपका जो ऑफर आने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है, उस प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो गेट 2024 के थ्रू वेट कर रहे हैं या गेट 2025-26 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि आपको क्या मेंटेलिटी लेके चलनी होगी और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो ये होगा कंप्लीट डिस्कशन। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हो ये वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखो और जितने भी डाउट प्रॉब्लम क्वेरीज हैं वो सबको समझो और सॉल्व करो, उसके बाद अपना प्रोसेस आगे का बढ़ाओ, ठीक है। बट उससे पहले जितने भी कैंडिडेट को थर्ड लिस्ट में एनटीपीसी से आया ऑफर, उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आई नो कि आप यू नो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके एक रैंक लाते हो, उसके बाद आप यू नो वेट करते हो लिस्ट का एक साल तक कब तक आएगा। तो एंड फाइनली जब आपका लिस्ट आता है तो उस समय आपके ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है लिस्ट आने के पहले, वो पूरा रिलीज हो जाता हो एंड आप कितना खुश होते होगे कि वो दिन आपको याद रहेगा कि आप कितना खुश रहोगे। तो जो लिस्ट आया कल, जिन लोग को सिलेक्शन हुआ है, वो कल वो फील कर पाए होंगे वो हैप्पीनेस। बट जिन कैंडिडेट का अभी तक कोई ऑफर नहीं आया है, आपको थोड़ा सा भी निराश या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो PSUs में रिक्रूटमेंट का ये दौर चल रहा है ना, ये गोल्डन पीरियड है। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा गेट में परफॉर्म करोगे ना, तो आपको PSUs मिलने वाले ही हैं, ठीक है। क्योंकि PSU एक्सपेंशन मोड में चल रहा है फ्यूचर डिमांड को देखते हुए। तो कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि जो NTPC से ऑफर आया है, क्योंकि उनका रैंक ज़्यादा है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें भी NTPC से ऑफर आएगा। और उन्हें ऑफर आया तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन था कि सर, क्या मुझे जो ऑफर आया है वो मैं अब कंप्लीट समझूं? ऐसा नहीं है कि कोई जो मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आया तो वेटिंग लिस्ट लगेगा जैसे अदर PSUs में लगता है। तो मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट को आपका रैंक कुछ भी हो, अगर आपको NTPC से मेल गया है, इसका मतलब कि आपका NTPC में सिलेक्शन हो चुका है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, उसके बाद NTPC में ज्वाइनिंग करनी है, क्लियर हो गया। जितने लोगों को मिलाया, आप सभी लोग सेलेक्टेड है NTPC में एंड आप सभी लोग की ज्वाइनिंग होगी NTPC में। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो मेन आता है आपका, आपको जो कल मेल आया है उसमें मेंशन होगा कि आप NTPC में सेलेक्ट हो चुके हैं एंड आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 3 दिन या 4 दिन के अंदर। कुछ डेट दिया होगा कि जिस दिन आपका कल ऑफर आया उसे 3-4 दिन और एक्स्ट्रा आपको दिया होगा कि इस डेट के अंदर जो है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, राइट। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन है वो भी उस मेल में गिवन होगा कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है और एक PDF में कंपाइल करके अपलोड करना है NTPC के साइट पे। और अपलोड कहाँ करना है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उस मेल में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई किए थे तो आपको एक NTPC के पोर्टल का विंडो मिला था जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो उस मेल में पर्टिकुलरली गाइड है कि आप NTPC के साइट पे जाइए, आप NTPC के लॉगिन में जाइए, उसके बाद NTPC के इस डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाइए, जो कंबाइंड फाइल है इतने MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो उसका भी ध्यान रखिए और उसके बाद अपलोड कर दीजिए, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए कि जब आप डॉक्यूमेंट्स कंपाइल कर रहे हैं तो जो वो सीक्वेंस दिए हैं, सबसे पहले ये गेट स्कोर होना चाहिए या 10-12 होना चाहिए, जो भी सीक्वेंस वहाँ पे मेंशन है प्रॉपरली उसको फॉलो कीजिए एंड सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके कंपाइल कीजिए।
कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा था कि सर जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है बीटेक का, क्या हमें सभी सेमेस्टर का करना होगा या कंसोलिडेटेड सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट है वो करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं आपको सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर एट तक का कंपाइल करना है और जो एग्रीगेट आपका मार्कशीट है बीटेक में वो भी साथ में अटैच करके ही आपका एक फाइनल बनेगा। सेमेस्टर वन से सेमेस्टर एट एंड एग्रीगेट को कंपाइल कीजिए और जो मेन पीडीएफ है उसके साथ कंपाइल कीजिए। तो आई थिंक आपका ये डाउट खत्म हो गया होगा, कंसोलिडेटेड नहीं सेमेस्टर वन टू सेमेस्टर एट का अटैच करके अपलोड करना है। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है कंपाइल करके अपलोड कर दोगे, उसके कुछ टाइम बाद मान लीजिए 10 डेज 15 डेज मे बी 20 डेज आफ्टर आपको मेल आएगा कि आपको इस डेट को ज्वाइनिंग है इस एनटीपीसी के लोकेशन पे। मतलब मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम है ख़त्म हो जाता है, विंडो क्लोज हो जाता है, तो आपको 15 डेज 20 डेज के बाद मेल आएगा कि आपको इस लोकेशन पे इस डेट को रिपोर्ट करना है। तो मतलब ज्वाइनिंग से रिपोर्टिंग के बीच में मान के चलिए कि 25 डेज 20 डेज या एक महीने का भी टाइम लग सकता है। मतलब आपका कल ऑफर आया, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी आपके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे उसके बीच में एक महीने का टाइम मैक्सिमम लग सकता है। आफ्टर ज्वाइनिंग आपका जो है कि एक साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उस एक साल के ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले 3 मंथ का थ्योरेटिकल ट्रेनिंग चलेगा, पावर प्लांट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद 3 महीने में आपको सिमुलेशन ट्रेनिंग होता है, NPTI होता है, ठीक है, और भी एक दो मॉड्यूल होते हैं वो जगह जगह लोकेशन पे होते हैं। उसके बाद जब आपका ये 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा फिर आपका 6 मंथ के लिए एक्चुअल ट्रेनिंग होगा। मतलब आपको पावर प्लांट में 6 महीने के लिए ले जाया जाएगा और जो भी चीज़ें होती हैं आपको डिटेल में बताया जाएगा जिससे कि आप सब चीज़ों को थ्योरेटिकल तो समझें और प्रैक्टिकल भी समझ पाएँ। आफ्टर 1 ईयर जो आपका ट्रेनिंग हो जाएगा कंप्लीट, आप हो जाओगे रेगुलराइज, ठीक है, और आप बन जाओगे एक NTPC का प्रॉपर एम्प्लॉय। तो ये है NTPC के कंप्लीट प्रोसेस, क्या क्या होने वाला है आपके साथ, कैसे आपको आगे बढ़ना है। अगर हम गेट 2024 से बात करें तो गेट 2024 से भी सिमिलर वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि NTPC में एम्प्लॉय की शॉर्टेज है और पावर प्लांट एक्सपैंड हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वर्क लोड है, उसके लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए। तो एम्प्लॉय चाहिए तो रिक्रूट करेंगे तो आप हैं गेट 2024, गेट 2025, गेट 2026। तो जितने भी कैंडिडेट गेट 2024 से अच्छा रैंक लाए हैं आपको तो सिलेक्शन मिलने वाला है, ये तय है। लेकिन जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू रखिए और मोटिवेट होकर कंटिन्यू रखिए कि मुझे भी किसी ना किसी PSU में जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो 2026 वाले हैं वो भी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए या आप सोच रहे हो तो ज़रूर कंटिन्यू रखिए। और ये जो 4-5 साल रहने वाले हैं स्पेशली इंजीनियरिंग PSUs के लिए एक कह सकते हो गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आपको पता है कि जो गेट 2023 से गेट 2022 से जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो उस समय जो है कि अप टू 3000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अभी जो गेट 2023 से सिलेक्शन चल रहा है ये मान के चलो कि 4000-5000 रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। देखो NTPC में जो अभी थर्ड लिस्ट आई है ना, OBC का जो रैंक है ऑलमोस्ट 2000 के अप्रॉक्स चला गया है, जनरल का जो है अराउंड 1000 के अप्रॉक्स चला गया है कट ऑफ, और EWS का 2400 के अराउंड चला गया, और ST/SC का तो बियॉन्ड 4000-5000 के क्रॉस कर चुका है, ठीक है, वो है NTPC में। उसके बाद आपके बचे हैं जो गेट 2023 से हैं, नालको है, TSDC है, NLC है, NSPC है, अभी ये 4-5 PSU हैं जो कि बल्क में वैकेंसी रखते हैं। तो अभी मान के चलो जो गेट 2023 के थ्रू है कम से कम आपका 3500 रैंक 4000 रैंक तक जाने वाला है OBC कैटेगरी के लिए। तो आप थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा,
क्योंकि आपको पता है नालको का रिजल्ट आया है और उसके बाद एनटीपीसी थर्ड लिस्ट आ गया, तो नालको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करने वाले, तो वो जो फर्स्ट लिस्ट आया जब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सेकेंड लिस्ट वो भी देंगे। तो जिन कैंडिडेट को ऑफर मिलेगा उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन फाइनली आपको ऑफर मिलने वाला है। तो ये रहा ओवरऑल सिनेरियो, मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली डाउट पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियोज़ ला के आपको डाउट को क्लियर करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं। थैंक यू सो मच।